हम सभी जिन्हें घंटों घंटों कंप्यूटर में बैठ के काम करना होता है, आप सभी इस दर्द से महसूस किए होंगे। गर्दन के आसपास और पीठ के ऊपर की तरफ दर्द, ये कंप्यूटर में काम करने वालों को आम है, मगर हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे सिंपल टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप आसानी से अपने इस दर्द को काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और आप आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको इस टेनिस बॉल के इस्तेमाल से एक बहुत ही बढ़िया टिप्स बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही नए टिप्स लाते रहता हूँ हेल्थ के ऊपर में, और आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे आप हमारे वीडियो को कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला टिप्स है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। दोस्तों, हम कंप्यूटर में काम करते करते क्या करते हैं कि इस तरह से देखते देखते यहाँ आसपास काफ़ी दर्द हो जाता है। तो इसके लिए एक, आप बैठे बैठे कंप्यूटर में, आपको कहीं जाना नहीं है, ऑफिस के अंदर ही आप बस 15 मिनट का समय निकालें, और आप जितने भी मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ उसको आप फॉलो करें। 15 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, 10 मिनट टाइम निकालें। तो सबसे पहला है स्ट्रेचिंग। आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप ये लेफ्ट हैंड लेंगे और अपने राइट हेड के ऊपर की तरफ रखेंगे, और ऐसे खींच करके इसको कम से कम 1 मिनट तक इसको पकड़ के रखेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर इसको छोड़ेंगे, फिर उसी तरह से आप इस तरफ राइट हैंड यूज़ करके आप लेफ्ट साइड नेक मसल्स को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, कम से कम 1 मिनट तक पकड़ के रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके नेक मसल्स जो है दोनों तरफ के, उसमें स्ट्रेच होगा। और दूसरा टिप्स है ट्रेपीजियस मसल का स्ट्रेचिंग, यानी पीठ की मसल्स का स्ट्रेचिंग। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपना इस तरह से हाथ लेंगे, और अपने, मान लीजिए मैंने अपने राइट हैंड लिया, और लेफ्ट हैंड से अपने एल्बो को इस तरह से पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे, इस तरह से खींच करके रखेंगे, तो आपको एक स्ट्रेच फील होगा अपने पीठ के आसपास, जो शोल्डर ब्लेड है उसके आसपास। इसको भी आप 1 मिनट तक पकड़ के रखेंगे, फिर धीरे से आप छोड़ देंगे। फिर वही चीज़ आप इस तरफ आप रिपीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से खींच के रखेंगे, कम से कम इसको 1 मिनट तक पकड़ के रखेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे। फिर तीसरा टिप्स है, इसमें आप क्या करेंगे कि आप मान लीजिए इस तरह से चेयर में बैठे हैं, और मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूँ, और आप अपने हाथ को यहाँ पर रखेंगे, और फिर चेयर की तरफ इस तरह से इंक्लाइन करेंगे, और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से करिए, कम से कम 4 से 5 बार इस तरह से करें, तो आपको काफ़ी रिलीफ होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा टिप्स है, आपको कंप्यूटर में सही तरीके से बैठना। दोस्तों, कंप्यूटर में सही तरीके से बैठना बहुत ज़रूरी है। गलत, हमारे जो गर्दन दर्द होता है कंप्यूटर में बैठे बैठे, वो सबसे उसका मेन रीज़न है गलत तरीके से बैठना। अगर आप सही पोस्चर अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो इससे आपको पेन हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने पहले से बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, आप यहाँ जा करके आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप उसको देखें, उसको समझें। और अब मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप जाके देखिए और उसको फॉलो करें, तो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा। अब हमारा आखिरी और 5वां टिप्स है यूजिंग दिस टेनिस बॉल। ये मैं खुद भी करता हूँ और ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत आसान है। हम हमेशा, आप ये एक टेनिस बॉल ख़रीद लीजिए, बाज़ार में मिल जाएगा आराम से, और इसको अपने ऑफिस में अपने टेबल के आसपास रखे रहिए। और क्या करिए कि इसको अपने पीठ की तरफ इस तरह से गिरा दीजिए, पीठ में रख दिया आपने, अगर आप देख पा रहे हैं तो। उसके बाद हल्का हल्का इस तरह से उसको जहाँ जहाँ पेन हो रहा है वहाँ वहाँ मसाज करें इस तरह से। ये एक सेल्फ मसाज टेक्निक टाइप सा हो गया है, बहुत ही उपयोगी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको तुरंत आपके पीठ में जो दर्द होगा, स्टिफनेस होगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा, और आप फिर से आपको कंप्यूटर में बैठ के आपको काम करने में आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। नेक पेन के ऊपर में मैंने पहले से भी कुछ वीडियो बनाए हैं, अगर आपको ज़्यादा पेन है तो आप वो एक्सरसाइजेस को करें, आप वो वीडियो जाकर के, यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।